हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। जो स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल 2024 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा 10th लेक्चर है। 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दो डाउट मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बताऊँगी। काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि दी हम पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये वाली वीडियोज़ हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी? तो डेफिनेटली येस, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, सिलेबस सेम है। आप लोग ये वीडियो डेफिनेटली, मतलब ये नहीं है कि बी एस नर्सिंग के लिए ही ये स्पेसिफिक है, आप लोग नहीं कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए भी उतनी है जितनी बी एस नर्सिंग के लिए, ठीक है? ऐसे कोई सेपरेट नहीं है कि आप लोग इसको साइड में लेके चल के कर सकते हो कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आप ये चीज़ें देखोगे कि नर्सिंग का लेवल और पैरामेडिकल का लेवल सेम रहता है। सेकेंडली, आपका ये 10th लेक्चर है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेफिनेटली वहाँ से जगह आप बाकी लेक्चर देख सकते हो। 3 लेक्चर और आएंगे तो ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एंड जितना हो सके इतने क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम करो। लास्ट टाइम आपका ये है, तो जितने स्पेसिफिक क्वेश्चन करोगे फिजिक्स में उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फिजिक्स मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। बायो के लिए एनसीईआरटी ही फोकस्ड रखो, और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अभी एक बार मैं सोच रही हूँ कि 3 लेक्चर ये डाल देती हूँ, उसके बाद मैं जस्ट केमिस्ट्री पे फोकस करूँगी और स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी, ठीक है? अब बात करते हैं, हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला था कि दी आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया करो पूरा एंड तक। तो देखो, उससे वीडियोस आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने ट्राई किया है कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में ही सॉल्यूशन जो है आपका लिख दिया है, सो दैट आप लोगों को और इजी रहे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वॉट। यहाँ से 30 वॉट की पावर जा रही है, हमें वैल्यू बतानी है आर की कितनी होगी। एक रेजिस्टेंस की गिवन है, एक की कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज यहाँ पे गिवन है। सो इसमें अगर हम बात करें, 3 चीज़ें गिवन है, पी वी और आर, इनका रिलेशन क्या होता है यहाँ पे मेंशन है। पावर क्या होती है, वी स्क्वेयर बाय आर। आर यहाँ पे आपका कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला, दोनों आएंगे, दैट इज़ आर इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। ये किस में लगे हुए हैं, ये आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, जो पैरेलल की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्व भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है? आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 आर। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियोस में, मतलब लास्ट वीडियोस में ना ये 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। दैट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, और इवन ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा सा फोकस्ड है कि क्या पता रिपीट ही हो जाए, ठीक है? तो इसके डायमेंशन क्या, ये क्या है आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, LT-1। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हमारे पास में ये गेट्स गिवन हुए हैं, वाई की वैल्यू गिवन है, ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। लास्ट वीडियोस में जो आपकी बाकी 9 वीडियोस हैं उनमें से मैंने एक में डिस्कस करवाया हुआ ये क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ से अगर वो देखा होगा तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? तो आप कैलकुलेट कर लोगे। सो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? सोल्व करना है ये पूरा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि हाँ यहाँ से इसका आंसर ये है आप सोल्व करना, नहीं, या फिर बस यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिया एंड दैट्स इट। खुद के कॉपी पेन पे अगर सोल्व नहीं करोगे तो उसका देखने का भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 2 मेटालिक स्फीयर हैं जिनमें पर्टिकुलर रेडियस आपको गिवन है, एक की 1 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, चार्जिन उनके गिवन है, एक का इतना गिवन है, एक का इतना गिवन है रिस्पेक्टिवली। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर के ऊपर आपका फाइनल चार्ज जो है कितना होगा अगर हम उनको कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें। सो हमें पता है अगर हम, हमारे पास में 2 चार्ज गिवन है, ठीक है, कनेक्ट करेंगे तो आपका जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, एक माइनस में गिवन है, ठीक है, और एक आपका किस में गिवन है, प्लस में गिवन है। सो ऑब्वियसली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू क्या होगा हमारे पास में, 4×10^-2। ये हमारे पास में क्या आ गया है, क्यू की वैल्यू आ गई है, ठीक है?
अब हमारे पास में एक रिलेशन होता है यहाँ पे, देखो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू इज़ इक्वल टू सी वी, हम लिखते हैं ना, तो दैट इज़ कैपेसिटर के वो इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और कैपेसिटर जो होता है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के। तो जो चार्ज है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के। तो क्यू वन बाय क्यू टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर वन बाय आर टू। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमारे पास में क्यू टू की वैल्यू हमें निकालनी है और क्यू वन की निकालनी है, हमारे पास में बिगर की भी निकालनी है, तो उसके बिहाफ पे आप रेडियस को भी एडजस्ट करना। मतलब कि अगर आप वन को बिगर ले रहे हो तो फिर आपको रेडियस यहाँ पे बिगर वाली ही पुट करनी है ऊपर। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, यहाँ पे अभी गिवन भी है, ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। 220 मीटर पर सेकेंड से आ रही है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक्यूरेट तो मुझे मतलब मैं नहीं कह सकती, 2019 और 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको ये पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कोई बच्चा है और उसको क्वेश्चन रिपीट मिलता है कि हाँ दी यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे पास में ट्रेन मूव कर रही है इतनी स्पीड से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ, एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इतना, वो साउंड जो है इतनी फ्रिक्वेंसी का जो है एमिट कर रही है। सम ऑफ द साउंड रीच द ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रेन एज इको। अब जो साउंड आ रहा है ऑब्जेक्ट के पास में वो इको के तौर पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। तो हमें बताना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इको की वो क्या होएगी। में यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, एन डैश जो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इनटू एन ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारी, ये है हमारी ऑब्जेक्ट जो सॉरी सब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी की वो है। ये क्या है हमारी वी, ये है हमारी साउंड की जो एयर है, मतलब कि एयर में जो साउंड है उसकी स्पीड है। ठीक है, वी माइनस वी ऑफ एस, ये सब्जेक्ट की वेलोसिटी है, दैट इज़ ये। पता चल गया क्या है, ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा, हमेशा ध्यान में रखना। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी भी हुई है, आंसर आया हुआ है आपका 5000। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, मैं पहले ही आपको लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों के पास में सर्कुलर मोशन गिवन है और उसके साथ साथ में आपको फ्रिक्शन के बारे में बोला गया है, ठीक है, तो उसमें आप सिंपली ये वाली जो इक्वेशन है ये पुट करो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ म्यू एम जी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन एम वी स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कि लास्ट जो क्लास थी उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें आपको सिमिलर यही चीज़ें निकालनी थी, तो ये आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, सर्कुलर मोशन में हमारी कार की स्पीड क्या होगी वो हमें बताना है, दैट इज़ वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अभी कर लोगे, यहाँ से जस्ट इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन भी है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पी। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो रहा है पी से, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.5%। तो अगर देखो वो पी से चेंज हो रहा है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.5% से चेंज में आ रही है, तो इनिशियल मोमेंटम बताना है कि उसका क्या होएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है मोमेंटम और हमारा वेवलेंथ में रिलेशन होता है पी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का केस है तो हम ये एच बाई लैम्बडा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये नहीं लिख सकते कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो आपका क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है,
उसके बाद में ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है, कि अगर जितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो आपका वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, ठीक है। सो अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये तो है हमारा चेंज और ये है हमारी इनिशियल वाला मोमेंटम, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा और नीचे वाली वेवलेंथ अब यहाँ पे क्या है 0.5% से वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि पहले जो वैल्यू थी उसका 0.5% वो हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब हमारे पास में क्या हम निकाल सकते हैं इसको, इसको हम पी पुट कर लेते हैं डेल पी को, तो ये हमारे पास में हो जाएगा पी बाय पी आई इज इक्वल टू 0.5/100, सिंपल है। अब हमें पी इनिशियल निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, सोल्व कर लोगे, बेसिक कैलकुलेशन है, आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और ये कैसे सोल्व होगा, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मैं आपको एक बार टेक्स्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये आपका सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा। अब हमारे पास में चेंज हमारा आ जाएगा ऐसे, और अब जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ कि हम डेल पी को क्या मानेंगे, पी, और पी को क्या मानेंगे, पी इनिशियल। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ वी इज एस्केप वेलोसिटी एंड वी ओ इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस देन दीज आर रिलेटेड बाय। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन हमें बताना है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दोनों में अगर आप देखोगे तो रूट टू का डिफरेंस है, आप फिर आप डायरेक्टली ऑर्बिटल की पुट कर सकते हो, तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, रूट टू ऑफ वी नॉट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लासेस में करवाया हुआ है बट यहाँ पे थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, और इसको कह सकते हो कि आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, रेशो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी इज, हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली क्या बताना है, यहाँ पे रेशो बताना है क्या होगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का और वेव वेलोसिटी का, ठीक है। हमें हमारे पास में वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, और अगर हम वेलोसिटी वेव वेलोसिटी देखें तो वी क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। तो इसका हमें रेशो बताना है, तो ये हम ऑब्वियसली रेशो में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड कर दिए हमने। अब हमारे पास में ए ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, सो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π into μ, म्यू की वैल्यू लिख सकते हैं अपॉन एन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू और यहाँ पे भी क्या है आपका, म्यू है, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, ए 2π/λ, ये हमारे पास में यहाँ पे रह जाएगा ए 2π/λ। अब हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, के क्या होता है, 2π/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 2π/k, यहाँ पे हम पुट करेंगे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार 2π/λ पुट कर देते हैं, सो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और a इंटू लैम्डा रह जाएगा, a इंटू लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं, यहाँ पे ये k है बच्चों, ठीक है, तो ये a इंटू k हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, 3 पुट कर देंगे, हमारे पास में k की वैल्यू क्या है, π/2, ये पुट कर देंगे, सो दिस इज़ द रेशो ऑफ v मैक्स अपॉन v, ठीक है। थोड़ा सा आपका टिपिकल क्वेश्चन कह सकते हैं उसको कि घुमा हुआ है, एक दो बार इसको बैक करके देखोगे समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, पूरा एंड तक मैंने सोल्व करके बताया आपकी बार, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास में मास गिवन है, पहले डिस्टेंस ले लो, दूसरे का मास ले लो, दूसरे के डिस्टेंस ले लो, तीसरे का मास ले लो, तीसरे के डिस्टेंस ले लो, अपॉन में तीनों मास, जितने भी मास हमारे पास में गिवन है उनको ऐड कर दो, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको कराने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी यहाँ पे गिवन है आप लोगों को।
अगला क्वेश्चन करते हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम ही करवाया हुआ है। आपका टोटल एनर्जी होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के, तो जस्ट यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज पुट करके। करेक्ट आंसर आपके सामने गिवन ही है, ठीक है, तो ये मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज़ अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड पी नोट, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे देखो पावर का रिलेशन आ रहा है कहीं ना कहीं, एक्सेलरेशन का रिलेशन आ रहा है। सो पावर और एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास में एक्सेलरेशन किससे रिलेट करेगा, फोर्स से करेगा। तो फोर्स और पावर का रिलेशन अब हमें पता होना चाहिए क्या होगा, क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब एम को फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, ये क्या हो जाएगा वी। अब हम इस डी टी को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा लिखते हैं एम वी डी वी, ये मैंने ये वाला वी मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू पी इंटू डी टी। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी करवाया हुआ है और बेसिक है, तो इतना आपको आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगेन करंट गेन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं 100 times करवा चुकी हूँ। वोल्टेज गेन पूछा हुआ है, करंट गेन से आप क्या निकाल लोगे, वोल्टेज गेन, बिकॉज वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। व्हाट इज़ बीटा, करंट गेन, जो कि क्या होता है, डेल आई सी बाय डेल आई बी, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार टेक्स्ट सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। ये आपका है करंट गेन का है बीटा, डेल सी बाय डेल बी, बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अब वोल्टेज गेन क्या होता है, बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन, आर आउट की वैल्यू पुट करोगे, आर इन की वैल्यू पुट करोगे, बीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी वो पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम पी। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड चेंज बाय। हमारे पास में मोमेंटम हमें बताना है, अगर हम हाइट को क्या कर दें 100% मोर इंक्रीज, यानी कि डबल कर दें बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी क्या होती है, आप लोगों को पता है अंडर रूट 2gh होती है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये अप्लाई कर सकते हो। एंड मोमेंटम और वेलोसिटी में रिलेशन अब आपको बताना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम और वेलोसिटी के ही बारे में बात हो रही है, दैट इज़ एम इंटू वी, वी की वैल्यू ये पुट करोगे यहाँ पे, बिकॉज हाइट के साथ में हमें कंपैरिजन करना है, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम ड्रॉप्ड यानी कि वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये चीज़ हमें नहीं लेनी है। बट हाँ, हाइट का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है कि हाइट हमें 100% इंक्रीज कर दी है पहले के कंपेयर में, तो हमें हाइट का लेके चलना है। वी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, पी इज इक्वल टू एम अंडर रूट 2g ऑफ एच, ये हो जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास में पावर और इसका हाइट का रिलेशन आ रहा है, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच। सो अब यहाँ पे p1 बाय p2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h1 बाय h2। सिंपल वैल्यू पुट करोगे इन दोनों की, आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन, नो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, बिकॉज मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन साथ में दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी आज थोड़े से कम आपके हमने सोल्व किए हैं, बट आई होप एंड तक सोल्व होंगे सबके, ठीक है। 3 lecture और आएंगे, उसके बाद आपकी फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मल्टीपल टाइम्स इसको देखो, अगर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करने होंगे तो मैं आपको जो नेक्स्ट आपका वीक आएगा उसमें कर दूँगी, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मैक्सिमम 2-3 PDF और आएंगी, तो वो आप कर लेना। बाकी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेबल आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग और इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज़ है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के ना 2 minutes या 2 minutes तो बहुत ज़्यादा हो गए, 1 minute ही लगेगा, आप थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में टाइप कर सकते हो कि आपको कैसे समझ में आई है, क्या चीज़ उसमें आपको अच्छी लगी है, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन होता है हमारे लिए, सो दैट और एफर्ट्स आपके पुट होते हैं, ठीक है।
मतलब आपको और अच्छा काम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो अगर आप वो चीज़ें करते हो, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, राइट। सो थोड़ा सा जैसे आपको रिवॉर्ड्स का होता है ना कि रिवॉर्ड्स जब आपको मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप और इम्प्रूवमेंट करते हो, तो सेम केस यहाँ पे हर जगह सेम केस होता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना, और मैंने नोटिस भी बता दिया था आप लोगों को कि आपका 28 से 31 तक की डेट है, उसमें आप अपना एग्जामिनेशन स्लॉट सेलेक्ट करो, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको वो अपने अकॉर्डिंग जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो देंगे, ठीक है, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो अपना एग्जामिनेशन स्लॉट चूज़ कर लो सो दैट आप लोगों को आसानी रहे, 2 दिन में शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए ही अच्छी हुई है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन स्लॉट चुनने का मौका मिल गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली जाओ और वो चीज़ें करो, बिकॉज़ वो प्रायोरिटी रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।